जिहड़ा प्रभु दा सिमरन है भगवान दा ओह तां इक निमक भी राज लिए उहदे वल्लों ही मुख करके अपना तां पार उतारा होना ही है। ते जे पूर्ण नाम सिमरन करिए उहनां दे नाल होर भी अनेकां लोक तर जांदे आ। सो इसलिए भगवान दे सिमरन बंदगी नाम प्रति पंजवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की लाही बाणी दे विच दर्शाउंदे आ आ थोनू दस्या इहदी प्राप्ति करो इहदे विचों मिलेगा गुरमुख प्यारिओ साडे पापां दी मैल लैके शुद्ध होके पार उतारा हो जाएगा। तन तन श्री गुरु नानक देव महाराज उन्हां दा पंजवां जोत सरूप गुरु पंजवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की इलाही बाणी च इउं समझा रहे हैं। प्यार नाल सुनो की कहिंदे आ। हर रस पीवहो पुरख ज्ञानी सुन सुन महा तृप्त मन पावे साधु अमृत बानी रहा। सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे वेखो भाई गुरमुख प्यारे जिहड़ा वाहेगुरु का नाम आ ना ये जपण दे नाल असलीयत कहिंदे हरी दा रस आ इह भगवान दे नाम दा रस। हर रस पीव पुरख ज्ञानी हे ज्ञानी जनों पुरख जनों असलीयत आपां पुरख ते ज्ञान आपां नूं तां है जे आपां परमात्मा दे नाम रस दी प्राप्ति करदे हां। ज्ञानी तां बहुत दूर कहिंदे आपां पुरख भी है नहीं ये आपां नूं जन्म मनुखा मिलिया है इहदे विच सानू पक्की प्राप्ति परमात्मा दे नाम रस दी करन लई भेजिया गया। जे आपां इह कर लईए फिर महाराज कहिंदे वेखो साडे जीवन दी सफलता ही है ये रस पीवी दा किवें है ये वड्डा ज्ञान सच्चे पातशाह दिंदे है। हर रस पीवो पुरख ज्ञानी हे ज्ञानी पुरखो हे प्यारियो ये नाम रस की प्राप्ति कर लो। फिर कहिंदे पीए किवें महाराज दसदे आ की कहिंदे सच्चे पातशाह सुन सुन महा तृप्त मन पावै साधु अमृत बाणी। एक तां नाम जप के इस रस की प्राप्ति है जे आपां सरवण कर लईए आ वाहिगुरु दे नाम ये आपां सरवण करदे आ सुन सुन पर कहिंदे सुनो किवें एक तां केवल कन्नां नाल सुणदे आ एक है ये शब्द नूं सुन के अपने दिमाग च ते दिल च बसा लैना जो दिल दिमाग च बह गया फिर यह रस आ ना जिहड़ा आत्मा तक पहुँच जाता जे सुनीए उहदे ते विचार करके उहनूं अपने हिरदे विच बसा लईए ते जे सुनिया पता ही नहीं लग्या भी की मतलब है सुन के भुल गया ना मारे कहिंदे इहनूं सुनो ध्यान ना सुन के सोच के विचार के अपने हिरदे च बसा लो जो हिरदे च बसेगा फिर मारे कहिंदे भाई ये रस आत्मा तक जाऊगा जो आत्मा नूं ये रस की प्राप्ति होगी बस ये खुराक है उहदी आत्मा की खुराक ही नाम रस है उहदे नाल ही इहनूं शक्ति मिलनी है उहदे नाल ही इहने अमर होना उहदे नाल ही इहने मोक्ष होना उस रस की प्राप्ति नाल ही असी जीवन का सफलता वाला कर्म प्राप्त कर सकते हैं। जिहड़ा अमर है अमर कहिंदे आ जिहड़े मृत्यु तो रहित हो जाते हैं अमर का भाव है जिहड़ा मरे ना मारे कहिंदे मरांगे तां ना जे साडे कोले नाम रस आत्मा साडी अमर साडा आ जिहड़ा जीवन है ना आहा जीवन है ये साडा अमर हो जाऊगा आत्मा अमर ते नाल कहिंदे अमर रस की प्राप्ति करके फिर मरे कहिंदे भाई साडे जीवन का कर्म इस रस दे नाल सफलता वाला होना ते जो ये कर लांगे फिर साडे जीवन दे विच आनंद 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 है। कहिंदे ओ आनंद 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 किवें है सुन के कहिंदे सुन सुन ये तो मैं दस्या सुन का भाव फिर कहिंदे महा तृप्त एक तो केवल तृप्ति है जिहड़ी केवल तृप्ति है थोड़े समय की है आपां भोजन छकिया केरां तृप्त तां रज गए पर फिर शाम नूं भुख लगे आउणी है फिर शाम नूं छक लिया तृप्त
सबक ते उठन सार फिर भुख लगू नहीं। ए महारी कहिंदे जिहड़ी आ नाम रसा ना ये महातृप्त है, ये एक बारी आत्मा नूं रस की प्राप्ति होगी। कहिंदे फिर वह रस आत्मा दे विच्चों प्राप्त हुंदा रहिंदा हुंदा रहिंदा। कहिंदे वह आत्मा ऐन तृप्ति तुहानूं मिल जाएगी, आत्मक रस ना पूर्ण तृप्ति। कादी हुण अपने कोले माया है, धन है, दौलत है, सुख है, सुखां दे साधन साधन है, इन्हां दी आपां नूं पूर्ण जिहड़ी खुद्या मिटदी नहीं, खुद्या नहीं खत्म होंदी। बंदे कोले 100 किला जमीन का हो गया, वह कहिंदा मेरे कोले नाल वाली होर मिल जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, घर है वह कहिंदा एदू वड्डा हो जाए, गड्डी है एदू भाव गां 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 होर है। ते जो तृप्त होंदा नाम जपन नाल मन तृप्त है, वह कहिंदे भाई तृप्ति है जो मिल गया, भुख कोई नहीं, पर मिली उन्होंने होर भी जाता, बड़े तो बड़े सुख मिलते हैं, बड़े तो बड़े सुखां दे साधन मिली जाते हैं, बड़े तो बड़ा धन मिली जाता है, दौलत होर आई जाती है, पर वो जरूरत महसूस नहीं करता। वो मन तृप्त है, मन इतना तृप्त है बे कोई एक बंदा जिहड़ा नाम नहीं जपदा उहदे कोले सारी दुनिया का धन आ जाए वह फिर भी तृप्त नहीं। तो जिहड़ा नाम जपदा है वह बेचारा दिहाड़ी करके 20-50 रुपये जिहड़े लैके आउंदा सारे परिवार को भी छका के फिर भी तृप्त है, कहिंदा बहुत है गुरु ने कृपा करती भोजन मिल गया, उहदी तृप्ति है। तो इस तरह ही जे नाम नहीं जपता चाहे किन्ना धन है जो कुछ भी है नहीं, जिदे को है नहीं उन्हें का कहदा तृप्त होना, होंदे सुनते नहीं तृप्त होंदा। इसलिए तृप्ति होंदी है नाम ना, जिहड़ा नाम है सबर ते संतोख दो चीज़ां नाम तो बिना नहीं मिलदियां गियां, ना संतोख मिले ते ना बंदे नूं सबर आवे, ये दोनों चीज़ां परमात्मा दे सिमरन चो मिलदियां। सिमरन करिया भी मिल जाती है, सुन बंदगी सुन के भी यही प्राप्ति है। वाहेगुरु का नाम जपी चलो ता भी ओही प्राप्त है। आ गुरु महाराज का जस सरवण करते हैं ता भी सानू महातृप्ति भाव पूर्ण सबर संतोख की प्राप्ति होवेगी। ते महाराज कहिंदे इह हुंदी कित्थों है, सुन सुन महातृप्त मन पावै, कहिंदे मन तृप्त हो जांदा है कदों साधु अमृत बाणी, कहिंदे जिहड़े संत लोग आ ना इन्हां दी बाणी दे विच अमृत आ, ओह अमृत किहड़ा आ, हुण धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी इलाही बाणी है, अमृत बाणी है, बोले कोई पढ़े कोई, जिहड़ा पढ़ूगा ते बोलूगा उहनूं भाई साधु आपे ही बन जाणा उहने। साधु का भाव आ साधना, परमात्मा की प्राप्ति का यतन करना, वाहेगुरु की प्राप्ति लई कर्म करना। तो साधु का पूर्ण मतलब है जो पूर्ण अपने आप नूं साध लिया, शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया। साध ते खालसा ये दोनों शब्दों का एको ही मतलब है, उ ही अर्थ है साधु का, उ ही अर्थ खालसे दा। एक शिक्के दे दो पहलू है, साध ते खालसा। खालसा दा मतलब भी शुद्ध है ते साधु दा मतलब भी शुद्ध है। ते अजकल वैसे जे किसे नूं साध कह दे लड़पूगा, वह कहता मैनू साध क्यों कहा, है सब तो उच्चा कर्म ओनू कहिंदे जिन्हें अपने आप नूं साध लिया शुद्ध कर लिया। महाराज कहिंदे भाई जिहड़ा शुद्ध हो गया उहदी जिहड़ी बाणी है ना उहदे शब्द है बोल है उन्हां च अमृत है। वह अमृत केड़ा, उहदे च नाम रस है, वह साडे कन्नां नूं रस तृप्त करेगा। जो कन्न तृप्त होणगे दिमाग दिल मन सारा कुछ तृप्ति महातृप्ति मिल जाती है। मानसिक तौर पर शक्ति, शरीरक तौर पर शक्ति और आत्मक शक्ति, ये महातृप्ति तीन शक्तियां। तो जो ये तीन शक्तियां फिर उदू भी महातृप्ति आ लोक शक्ति भी मिल जाती है उन्हों, चारे शक्तियों की प्राप्ति। जो सारा कुछ मिल गया फिर तो तृप्त है ही है। इसलिए सच्चे पातशाह सानू दसदे है खोज विचार कर्म की जुगती की कहिंदे, इत्थे विश्राम पा के दसदे है भी इस रस ना इहदी प्राप्ति ना सानू गां की मिलेगा। वो पंजवें पातशाह श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की इलाही बाणी च इउं कह रहे हैं, मुक्त भुगत जुगत सच पाईए
सर्व सुखां का दाता अपने दास को भगती दान देवे पूर्ण पुरख बे दाता आहा मुक्त भुगत जुगत सच पाई है मुक्त कास नूं कहिंदे आ मारे कहिंदे वेखो भाई पहिलां मुक्ति मिलदी है पापां तों कर्मां तों इहदा ज्ञान मुक्ति भगती नाल मिलदी है भगती तों बिना नहीं कहिंदे जिहड़ी मुक्ति है इह भगती नाल कहिंदे जिहड़े भगत आ सिमरन करन वाले लोग आ फिर कहिंदे उह जीवन दी जुगती दसदे आ जीवन जांच जिहड़ी जीवन जांच आ ना इह वेखो जीवन तां आपां सारे लोग जिउंदे आ एक लोगों नूं जीवन की जांच है जिउणा आउंदा कई लोग है मैं खुराक की गल ही करा अन्न है ना साडे शरीर नूं शक्ति दिंदा है कई लोग है वह खाण लई जिउंदे है कई लोग है जिउण लई खांदे है खांदे दोनों ही है भोजन तो दोनों ही छकदे है एक केवल जिउण लई खांदे है एक जिउंदे ही खाण लई है वह कहते इतने की लेना है खा लो पी लो मौजा करो बस की मुड़के कि नहीं देखे एक लोग है जेडे भोजन छकते हैं वह कहते भी है महाराज ने शरीर दिता भी आप भोजन छकना उन्ना क सानू जीवन की शक्ति मिलती रहे जेड़ा बहुत खाना ये नाल साढ़े ते माड़ी प्रभाव पी जाते सुस्ती पेगी जे सुस्ती पेगी कर्म नहीं कर सकते ओके है जे सुस्त है बंदा वो चुस्ती है नहीं फिर कहदे जिहड़ा बंदा ही सुस्त है ना तो दुनियावी काम कर सके ना समाज के विचर सके बैठे ही कही जाऊ चलो कोई नहीं यार हजे धुप आराम कर लगे ठहर के सही जो ठहर गया फिर कहू आथन जहा हो गया कल न सही जो तड़के हो गया फिर बड़े दिल उठन फिर कहना चल देखी जाऊ दुपहरा हो गया फिर वो आ काम के फसया रहा जे जीवन जांच वाले है वह भाई इन्होंने चक्कर चो निकल के कहते जीवन मिले कल का पता ही नहीं अज ही अपने को जोड़ा समा इनू अपना पूरा लेखे ला दिए जो कल आऊगी वेखी जाऊ ये जीवन की जांच है मारे कहते मुकत भुगत जुगत सच पाई है सच की है अकाल पुरख है बाकी चीजा तो सारिया झूठ है कोई सच नहीं गा परमात्मा सच है वह जोड़ा सच है पाई है जे सानू ओदी प्राप्ति होगी फिर मिलता की है मारे कहते सर्व सुखां का दाता जिन्ने दुनिया के सुख है सारे कितों मिलते हैं परमात्मा तो हुण वेखो शरीरक शक्ति भी मैं बेनती करी मानसिक शक्ति गल करी आत्मक शक्ति की लोक शक्ति की इस तरह ही जिहड़ी शक्ति है उहनू कहिंदे आ ताकत नू हुण जिहड़ी ताकत आ कहदे नाल मिलदी है जिहड़ा शरीर रोगी है जिहड़े शरीर नू बीमारियां लगियां वीआं उहदे कोले शक्ति कित्थे आ वी उदों तां ना तुरिया जांदा ना बैठा जांदा ना पिया जांदा पिया भी नहीं जांदा शरीर नू सुख सुख कहदे नाल आ सुख है जिहड़े बंदिआं दा खाण ते परहेज है कम करन वाला छके उहनू शक्ति मिलदी है जे वेला खाऊगा उहनू रोग है कम लई खुराक पदार्थ है ते बेले लई खुराक भोग है भोग रोग दिंदे है पदार्थ शक्ति दिंदे है इसे करके कहिंदे गुरमुख प्यारिओ सानू सुख मिलना तां जे परमात्मा दा नाम जपदे हैं हुण जिहड़ा परमात्मा दा सिमरन करन वाला है उहनू दुख नहीं कोई रहिंदा गा क्यों नहीं रहिंदा क्योंकि जिहड़ा शरीर है इहनू बीमारियां बहुत है हुण कई बंदे जिहड़े मनमुख आ ना जिहड़े परमात्मा नूं अकाल पुरख नूं नहीं मनदे ओह कहणगे लै जर पाठ करे तो भला सूगर किवें हट जूगा पाठ करे तो ब्लड किवें घटू बई आ पाठ करे तो वड्डियां भयंकर बीमारियां नूं किवें आराम आऊगा ओह आराम आ जांदा महाराज ने गुरु बाणी दे विच फरमान करिया कहिंदे सब दुखां की सर्व दुखां का औखद नाम कहिंदे सारे दुखां की दवाई की है नाम हुण जिहड़े दुख है ये कित्थों आउंदे आ किन्नी दवाई लई चलो
परहेज करी चलो, जो चिंता होगी ना फिर बीमारी कोई घटनी नहीं उत्थे पहुंच जाती है। जड़ी चिंता है इनू पुराने बजुर्ग चिखा कहिंदे हुंदे वी, जिहड़ा बंदा चिंता करदा ना उहदा चिखा ते बैठा। चिंता की कोई दवाई है नहीं, चिंता की दवाई तो कितने डाक्टरां कोले उहदा देखण परखण वाली मशीन ही है नहीं भी इहनू चिंता। जिहड़ी चिंता इहदा इलाज है नाम। हुण चिंता किसे बंदे नू होवे कोई भी परमात्मा का सिमरन करन लग जो, दो मिनटां च चिंता खत्म हो जाऊ। चिंता दुनियावी कम्मां दी है, खत्म। चिंता कोई भी तरह की होवे सिमरन करो, चिंता नहीं रहूगी। तो जो चिंता नहीं रहूगी बीमारियां ठीक हो जाएगियां। जो बीमारियां ठीक हो गई शरीर तंदुरुस्त है। एक तो यह सुख है, दूजा सुख हुण रोग किहड़ा मानसिक, एक मानसिक रोग है ये चिंता नाल ही संबंधित है। जिन्हों चिंता कुछ ना कुछ सोची जाता है, जिहड़े बंदे नूं चिंता ना उहनूं वड्डी बीमारी ये है वह चंगा सोच सकता ही नहीं, माड़ा सोचू। जे बच्चा कम चलिया गया, स्कूटर मोटरसाइकिल गड्डी ते गया, उन्हें यह नहीं सोचना भी उन्हें कोई दोस्त मिल गया दो मिनट खड़ गया होगा कोई नहीं आजू। उन्हें सोचना भी वह कासे च बज्जिया ना हो, कि डिग ना पिया हो, कोई मोटरसाइकिल ही ना खो के ले गया हो। जिन्नी सोच है दूजे पासे नूं, फिर जो फिक्र होगा फिर रोगी हो जाता। फिर जो ब्लड बढ़ता, जिन्ना चिर आउंदा नहीं ब्लड बढ़ता तुरै जाता, कई बार जवाक आने तो पहला पहला उन्हें हस्पताल ले जाना पै जाता। ये रोग है मानसिक, ये तो अगे आत्मक रोग है। वो जिहड़ा रोग है ना पाप कर्म का, जिन्ने पाप कर्म करते साडे आत्मा लई सारे रोग है। ये आत्मा नूं कष्ट दुख देण वाले है, ये सुख भी नाम ना। इस करके महाराज कहिंदे भाई मुक्त भुगत जुगत, ये तीन चीजा गुरु तो मिलदियां। ते कहिंदे उत्थों मिलदा सच पाई है, उत्थों सच की प्राप्ति हुंदी है। कहिंदे जो सच की प्राप्ति कर लगे फिर सर्व सुखां का दाता, कहिंदे सच्चा जिहड़ा परमात्मा वह सारे सुखां का दाता, वह अकाल पुरख है, उत्थों सारे सुख मिल जाते हैं। अपने दास को भगती दान देवे पूरन पुरख विदाता। जे आपां उहदे दास सेवक बन के बेनती करिए आपां नूं भगती दा दान मिलू। आपां जदों अरदास करदे हां गुरु घरां च जाके की मंगदे हां, हे सच्चे पातशाह सानूं बख्शिश करो दाना सिर दान महादान नाम दान श्री अमृतसर दे इशनान। इशनान दा भाव है आत्म, उत्थे जदों दरबार साहब इशनान करीदे आ ना, हुण नहा तां आपां पिंड वी लैंदे आ, इशनान तां नित्ती करदे आ, उत्थों वाले ते इत्थों वाले इशनान च अंतर है। उत्थे नहाए नहावांगे तां की मिलदा, मारे कहिंदे रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते। जिहड़े पाप कमाए आ ना, चाहे जानबुझ के कमाई च आ गए ते जां कुदरती कर्म हो गया, कहिंदे सारे पाप धोते जाणगे जे इशनान कर लगे। उस सरोवर दी एड्डी शक्ति है, क्योंकि उहदे विच उह जिहड़ा सरोवर है उहदी महानता है। वह केवल सरोवर नहीं, उहदे विच इक मंदर है, मंदर रचिया सोहना, सोहना नहीं मन नूं मोहना, मोहना है विशकर्मा दा दुख टुट जे देखिया जरमां दा। मारे कहिंदे मंदर रचिया ताल बिचाले, जिथे हंस होण कां काले, कोले बेरी खड़ी दुख भंजनी जी, दुख पापी जना दे अंजनी जी। मेरे मन फुरकी शंक्या, जानी है रावण की लंक्या, पर ओतू फर्क बेअंत है जी, ओथे राक्ष इथे संत है जी। मारे कहिंदे भाई वेखो मंदर तां बिशक दी सोने दा, रावण दी लंका भी सोने दी सी, वह भी पानी च सी, पर उहदे नालों बड़ा फर्क है, बेअंत है जी। कहिंदे उत्थे राक्ष इत्थे संत है जी, इत्थे सारे संत रहिंदे आ, उत्थे राक्ष रहिंदे सी। इत्थे सानूं दुखां नूं भंजन दूर करन वाली बेरी खड़ी है, कोले बेरी खड़ी दुख भंजनी जी, दुख पापी जना दे अंजनी जी। जिहड़ा ये महाराज के दरबार की साहब की उस्तति लोपमणे स्वामी जी महाराज ने एक काव्य रची है, मैं उहदियां चंद पंक्तियां थोड़े भेट करियां। इसलिए वह कहिंदे भाई
जिहड़ा भगती दा दान है ये मिलता कितों जो आप गुरु महाराज अगे दास बन के बेनती करते हैं तो फिर वह दिंदा पूर्ण पुरख अकाल पुरख का नाम है आप सब इसत्री रूप है केवल जो कोई पुरख भी है ना वह भी अधूरे है पूर्ण पुरख तो वह परमेश्वर आप अकाल पुरख वह सानू दिंदा की है भगती का दान क्योंकि विधाता विधाता कहते हैं साढ़े भाग लिखण वाला कर्म बनाने वाला जीवन बनाने वाला वो तो गुरमुख प्यारे हो जे आप भगती ले लीए दान विच फिर साढ़े सारे ही कर्म शुद्ध पवित्र हो जाएंगे वो जिहड़े कर्म शुद्ध पवित्र है होणगे किवें परमात्मा ने भगती तो देती बख्शिश करता नाम पर जे उहदी प्राप्ति ना करांगे फिर मिलना नहीं मिलूगा किवें पंजवें पातशाह दसदे आ प्राप्ति करन दा ढंग आओ सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज की कहिंदे प्यार नाल सुनो सरवणी सुनिए रसना गाइए हृदय ध्याइए सोई कारण कारण समर्थ स्वामी जाते वृथा ना कोई सरबणी सुनिए रचना गाइए हिरदे ध्याइया सोई वह कहते जी परमात्मा ने अपन भगती का बीज मंत्र नाम शब्द देता ओनू गुरमुख प्यारे कहते सरबणी कन्ना दे नाल सुन लीए रचना दे नाल गा लीए हिरदे दे विच ध्याइए ध्यान धर लीए कि परमात्मा का अकाल पुरख का जे एक ध्यान है ना अपना एको ही ध्यान तो फिर सारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे जे आप भड़कते साडा ध्यान नहीं एक बारी ना कई गल्लां बहुत उच्चियां हुंदियां पर उहदा कर्म ध्यान दा दर्शाया कहिंदे एक कोई ना लोग किसी जहाज किश्ती दे विच सवार सी उह जा रहे सी उह जदों जाण ते किश्ती आला जहाज आला कहिंदा लै वी अपने मूहरे मौसम सही नहीं खराब है पर कहिंदे जिहड़ा जहाज है इहदे विच थोड़ा जिहा वजन ज़्यादा है जे पंज चार बंदे दे विचों उतर के कोई थोड़ा घना पासे निकलना हो सकदा सारे बच जाण कहिंदे उहदे विचों जदों निकले एक बंदे दा ध्यान सी गुरु महाराज ते उहने अपना कहता भी इंसानियत नालों वड्डी सेवा नहीं कोई गल नहीं जे आपां नूं जाणा तां किन्ने बच जाणगे दया सी उहने पानी दे विच छाल मारी ते नाल कहता भी मेरा प्रभु अकाल पुरख मैनूं परमेश्वर बचाऊगा धन बाजां वालिया कह के बच गया एक बेचारा उतरिया उतरन सारी रीसो रीस गया तां सही कहिंदा भी हे कृष्ण भगवान हुण मैनूं बचा ला बस चुंबा लग्या दूजी बारी बाहर निकल के कहिंदा ओ कृष्ण नहीं आ रहा जे भी नहीं आउंदा शिवजी महाराज तुसीं वही दर्शन दे दिओ जदों तीजा ना लिया उदों विच ही समा गया वह जदों गांह गया वह कहिंदा भी महाराज मैं तुहानूं आवाज मारी तुसीं आए ना वह कृष्ण जी कहिंदे भाई तू मैनूं याद करिया मैं सुदर्शन चक्कर नूं जदों छड्डिया तू कहता राम भगवान आ जाए मैं चल मेरा तो सुदर्शन गेड़े च पैंता उदों उन्होंने चला देना बाण आपे कढ लैणगे और राम जी महाराज कहते कहते वो भाई मैं तो हजे बाण कढ के पत्थे चो चाढ़ नहीं लग्या सीगा चिले ते तू पहले ही कहता कहता भी शिवजी महाराज तू ही रख ला शिवजी महाराज कहते मैं जदों नूं कहा भी जा नाग देवता फटा के पूछे नूं खिंच लिया उदों नूं भाई तू गया मैं की करा वेखो आ दुनियावी पानी दे विच भी बंदा जे तीन चारा नूं याद कर ले ना डुब जांदा इउं नहीं भी उह कढ नहीं सी सकदे उहनां कोले तां पूर्ण शक्ति सही पर उह बंदे कोले पूर्ण विश्वास है नहीं सी जिहड़ा भरोसा ना विश्वास है पार बंदा इहदे नाल हुंदा ते जे मारी कहिंदे भाई किते किसे नूं याद कर लिया किते किसे नूं कर लिया किते किहदी देती साडी लोकां दी जिहड़ी मानसिकता है बाली हौली हो चुकी है
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫਿਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣਗੇ, ਸੁੱਖਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਪਰਮਾਰਥਕ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਰਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਮਾਤਾ? ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਏ ਨਹੀਂ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆ, ਪਾਠ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਤਾ ਕਰਾਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਡਾ ਕਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ 8ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਭਾਵ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਵੀ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਸਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਪਾਠ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ, ਬੰਦਗੀ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ 'ਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ 40 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੂੰ ਵੱਧ ਕਰਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਢਿੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਵੇਖੋ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਬਣ ਜੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੀ ਸੁੱਖ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸਹੀ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਤਰ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਲਏ, ਚੰਗਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਸਮਾਨ ਰੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਾਰ ਕਹਿ ਦੇ ਲਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਆਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਵੀ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਕਮਰਾ ਚੰਦੋਆ, ਚਾਰੇ ਤਰਫ ਕੇਲਾ, ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਘਰੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ, ਜਿੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭਾਈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ, ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਭਾਈ ਨਿਰਤੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ, ਲੈ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ, ਘੰਟਾ ਤੋਂ, 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਊਗੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ 1/2 ਘੰਟਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਬਾਲ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ
ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਮੁਖ ਬਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਓ ਪਾਠ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸ਼ਨਾ ਗਾਈਐ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈ ਐਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹਨਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹੇ ਭਾਈ ਜਣੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਐ ਦਿਆਲੂ ਐ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਰੂਪ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਕਵੀ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੰਜਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਸੱਚ ਪਾਈਏ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਝੂਠ ਹੈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਪਾਈਏ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ ਜਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆਤਮਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਆ
ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਈ? ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਆ? ਸੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਹਲਾ ਖਾਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ। ਕੰਮ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਤੇ ਵਿਹਲੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਭੋਗ ਹੈ। ਭੋਗ ਰੋਗ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨਮੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਜਰ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੋਂ ਭਲਾ ਸ਼ੂਗਰ ਕਿਵੇਂ ਹਟ ਜੂਗਾ, ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਕਿਵੇਂ ਘਟੂ ਬਈ, ਆ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਭਿਅੰਕਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਰਾਮ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖਾਂ ਕੀ ਸਰਬ ਦੁੱਖਾਂ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ? ਕਿੰਨੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਚੱਲੋ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੀ ਚੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੋਈ ਘਟਣੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚਿਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਖਾ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦਵਾਈ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਪਰਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਾਮ। ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, 2 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊ। ਚਿੰਤਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ। ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਖ ਹੁਣ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ? ਮਾਨਸਿਕ। ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਸੋਚੂ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਕੂਟਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ, 2 ਮਿੰਟ ਖੜ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਜੂ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੀ ਨਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿੰਨੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੇ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲੱਡ ਵੱਧਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਵਾਕ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ। ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਤਮਿਕ ਰੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਆ ਨਾ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਆਤਮਾ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਖ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚ ਪਾਈਆ, ਉੱਥੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਗਤੀ ਦਾਨ ਦੇਵੈ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਵਿਦਾਤਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਮਿਲੂ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, ਕੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ? ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ, ਮਹਾਂ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾਨ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਆਤਮਕ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ 'ਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਨਹਾਏ ਨਹਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਹਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਆ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਾਈ 'ਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂ
कुदरती कर्म हो गया। कहिंदे सारे पाप धोते जाणगे जे इशनान कर लगे। उस सरोवर दी एड्डी शक्ति है क्योंकि उहदे विच उह जिहड़ा सरोवर है उहदी महानता है। उह केवल सरोवर नहीं उहदे विच इक मंदर है, मंदर रचिया सोहना सोहना नहीं मन नूं मोहना, मोहना है विशकर्मा दा दुख टुट जे देखिया जरमां दा। मारे कहिंदे मंदर रचिया ताल बिचाले, जिथे हंस होण कां काले, कोले बेरी खड़ी दुख भंजनी जी, दुख पापी जना दे अंजनी जी। मेरे मन फुरकी शंक्या, जानी है रावण की लंक्या, पर ओतू फर्क बेअंत है जी, ओथे राक्ष इथे संत है जी। मारे कहिंदे भाई वेखो मंदर तां बिशक दी सोने दा, रावण दी लंका भी सोने दी सी, ओह भी पानी च सी, पर ओहदे नालों बड़ा फर्क है, बेअंत है जी। कहिंदे उत्थे राक्ष इत्थे संत है जी, इत्थे सारे संत रहिंदे आ, उत्थे राक्ष रहिंदे सी। इत्थे सानू दुखां नू भंजन दूर करन वाली बेरी खड़ी है, कोले बेरी खड़ी दुख भंजनी जी, दुख पापी जना दे अंजनी जी। जिहड़ा ये महाराज के दरबार की साहब की उस्तति लोपमणे स्वामी जी महाराज ने एक काव्य च रची है, मैं उहदियां चंद पंक्तियां तुहाडे भेट करियां है। इसलिए वह कहिंदे भाई जिहड़ा भगती का दान है ये मिलता कितों, जो आप गुरु महाराज अगे दास बन के बेनती करते हैं तो फिर वह दिंदा पूर्ण पुरख। पूर्ण पुरख अकाल पुरख का नाम है, आप सब इसत्री रूप है, केवल जो कोई पुरख भी है ना भी अधूरे हैं। पूर्ण पुरख तो वह परमेश्वर आप अकाल पुरख, वो सानू दिंदा की है भगती का दान, क्योंकि विधाता विधाता कहिंदे साडे भाग लिखण वाला, कर्म बनाउण वाला, जीवन बनाउण वाला, वह तो गुरमुख प्यारिओ जे आपां भगती लै लईए दान विच फिर साडे सारे कर्म शुद्ध पवित्र हो जाणगे। वो जिहड़े कर्म शुद्ध पवित्र है होणगे किवें, परमात्मा ने भगती तां देती बख्शिश करता नाम, पर जे उहदी प्राप्ति ना करांगे फिर मिलना नहीं। मिलूगा किवें, पंजवें पातशाह दसदे आ प्राप्ति करन दा ढंग। आओ सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज की कहिंदे, प्यार नाल सुनो। सरवणी सुनिए रसना गाइए, हृदय ध्याइए सोई, कारण कारण समर्थ स्वामी, जाते वृथा ना कोई। सरबणी सुनिए रचना गाइए, हिरदे ध्याइए सोई। वो कहिंदे जिहड़ी परमात्मा ने आपां नूं भगती दा बीज मंत्र नाम शब्द देता, उहनूं गुरमुख प्यारिओ कहिंदे सरबणी कन्नां दे नाल सुण लईए, रचना दे नाल गा लईए, हिरदे दे विच ध्याइए ध्यान धर लईए। किहदा? परमात्मा दा, अकाल पुरख दा। जे इक ध्यान है ना अपना, इक्को ही ध्यान, तां फिर सारे कर्म शुद्ध हो जाणगे। जे आपां भड़कदे साडा ध्यान नहीं, एक बारी ना कई गल्लां बहुत उच्चियां हुंदियां पर उहदा कर्म ध्यान दा दर्शाया। कहिंदे इक कोई ना लोग किसी जहाज किश्ती दे विच सवार सी, उह जा रहे सी, उह जदों जाण ते किश्ती आला जहाज आला कहिंदा लै वी अपने मूहरे मौसम सही नहीं खराब है, पर कहिंदे जिहड़ा जहाज है इहदे विच थोड़ा जिहा वजन ज़्यादा है, जे पंज चार बंदे दे विचों उतर के कोई थोड़ा घना पासे निकलना हो सकदा सारे बच जाण। कहिंदे उहदे विचों जदों निकले एक बंदे दा ध्यान सी गुरु महाराज ते, उहने अपना कहता भी इंसानियत नालों वड्डी सेवा नहीं, कोई गल नहीं जे आपां नूं जाणा तां किन्ने बच जाणगे, दिया सी उहने पाणी दे विच छाल मारी ते नाल कहता भी मेरा प्रभु अकाल पुरख मैनूं परमेश्वर बचाऊगा, धन बाजां वालिया कह के बच गया। एक बेचारा उतरिया, उतरन सारी रीसो रीस गया तां सही, कहिंदा भी हे कृष्ण भगवान हुण मैनूं बचा ला। बस चुंबा लग्या, दूजी बारी बाहर निकल के कहिंदा ओ कृष्ण नहीं आ रहा जे, भी नहीं आउंदा, शिवजी महाराज तुसीं कोई दर्शन दे दिओ,
जो तीजा ना लिया उदों बिच ही समा गया। वह जो गां गया वो कहिंदा भी महाराज मैं तुहानूं आवाज मारी तुसी आए ना। वह कृष्ण जी कहिंदे भाई तू मैनूं याद करिया, मैं सुदर्शन चक्कर नूं जदों छड्डिया तू कहिंदे कहिंदा राम भगवान आ जाए। मैं कहा चल मेरा तो सुदर्शन गेड़े च पैंदा उदों नूं उन्हां ने चला देना बाण आपे कढ लैणगे। और राम जी महाराज कहिंदे कहिंदे ओ भाई मैं तो हजे बाण कढ के पत्थे चो चढ़ नहीं लग्या सीगा चिले ते, ते तू पहले ही कहता कहता भी शिव जी महाराज तू ही रख ला। शिव जी महाराज कहते मैं जदों नूं कहा भी जा नाग देवता फटा के पूछे नूं खिंच लिया उदों नूं भाई तू गया मैं की करा। वेखो आ दुनियावी पानी दे विच भी बंदा जे तिन चारा नूं याद कर ले ना डुब जांदा। इउं नहीं भी वह कढ नहीं सी सकदे, उन्हां कोले तां पूर्ण शक्ति सही पर उह बंदे कोले पूर्ण विश्वास है नहीं सी। जिहड़ा भरोसा ना विश्वास है पार बंदा इहदे नाल हुंदा। ते जे मारे कहिंदे भाई किते किसे नूं याद कर लिया किते किसे नूं कर लिया किते किहदी देती। साडी लोकां दी जिहड़ी मानसिकता है बाली हौली हो चुकी आ, उन्ना चिर हौली है जिन्ना चिर असीं नाम नहीं जपदे। जदों नाम जपण लग गए फिर मानसिकता परिपक्व हो जाती है। वह हौली की है छोटिया जा कोई लोड़ पै गई सुख सुखणगे सुखणगे भी वो जिथे पहुंचना औखा हो फिर देनी नहीं। एक दिन एक माता जी आ गए, ये तां सुनाउणे आ परमार्थक गल्लां जीवन च पता लगदा। वह कहिंदे जी मैं पाठ करवाउणा कि साडे पता नहीं की गल सीगी जी मैनूं तां इह लगदा भी साडे परिवार च आ जिहड़ा दुख आया असीं पाठ करवाउणा सी कराया नहीं। मैं कहा क्यों माता? चलो कोई गल नहीं महाराज आए नहीं गुस्से होंदे, ये तो साडी मानसिकता है। वह सच्चे पातशाह तो शरदा प्यार दे भुखे है पाठ नाल कुछ नहीं हुंदा कोई नहीं करा दिओ। कहिंदी नहीं जी मेरे मन की शंका है ताई सानू कोई दुख है। मैं कहा चलो ठीक है माता कराओ। किन्ना चिर हो गया? वह कहिंदे जी मेरे बच्चा सीगा साल क दा, उदों मैं महाराज मूहरे बेनती करी सी भी थोड़ा खंड पाठ करावां ठीक हो जाए। तो मैं कहा हुण माता बच्चा किड्डा का? कहिंदी जी हुण तां सुख ना उहदा मुंडा भी अठवीं च पढ़दा। मैं कहा माता फिर तो थोड़े चिर ची ये भाव वेखो जदों बंदे नूं दुख आउंदा ना असीं समझदे आं भी इह सानूं महाराज ने देता भी पाठ नहीं कराया करके नहीं। गुरमुख प्यारिओ महाराज सिमरन भगती ते खुश है, वह सा लैण देण वाले चक्करां चों बहुत उच्चे आ, वह तां आपां नूं बख्शिश करदे आ। इह साडी मानसिकता है भी आह काम आए नहीं। आपां जे सिमरन करिए पाठ का भाव की है सिमरन नाम बंदगी। आप वाहेगुरु का वह बंदगी करो अरदास करो बेनती भी सच्चे पातशाह मेरा आह काम हो जाए मैं 40 दिन मूल मंत्र करा थोड़ी याद च थोड़ा धन्यवाद करा विशेष मेरा आह कार्ज हो जाए सच्चे पातशाह मैं 40 दिन लगातार सुखमनी साहब का जाप करा जिहड़ा अगे पाठ करदे तू वध करा सच्चे पातशाह। आ मेरा बच्चा ढिला इहनूं तंदुरुस्ती बख्श दिओ मैं इहनूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की बाणी का पाठ ही बना दिया। वेखो नाले तो उहदा कर्म बन जू नाले साडी सुख पूरी हो जू ते नाले उहदा जीवन सही मार्ग ते चल पूगा। इसलिए बेनती पित्र ओह करो जिहदे नाल सच्चे पातशाह की खुशी भी मिले ते साडा जीवन भी सफल हो जाए अपना जीवन भी सफल हो जाए। हुण आपां पाठ तां करा लिया जे आपां किसे दे घरे जाइए आपां दुनियावी मैं एक संखेप च बेनती करनी है आपां किसे दे घरे चले जाइए वो आपां नूं वधिया सोफे ते बिठा ले चंगा खाण पीण लई समान रखे आपां नूं जान सार कह दे लो भी भाई साहब तुसीं आए हैं जी आया नूं आ कमरे च बैठो आप चाह पानी दुध पानी छको पर मैनूं तां कम हो गया मैं जाना है। आपां उहदा चाह पानी छकण नूं तैयार हाँ भी अगला कहिंदा ना भी भाई साहब कोई नहीं तू भी जाया मैं किते फिर आ जाऊंगा। हुण आपां की करदे हैं गुरु महाराज दा पाठ तां कराउण लई तैयार हो जांदे आ भी मैं बेनती करी है। सुंदर कमरा चंदोआ चारे तरफ केला पूरी शरदा दे नाल महाराज दा सरूप घरे लै आउणे आ पर ग्रंथी नूं कह दिंदे लै वी उत्ते आऊंगा मैं जिते भोग पैणा होया तूं भाई आपे ही करी चल। हुण गुरु महाराज साडे घरे आ गए
ਆਪਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਖੰਡ ਪਾਠ ਭਾਈ ਨਿਰਤੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਇਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈਏ ਲੈ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੰਟਾ ਤੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਊਗੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 10-20 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਾਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਘਰ ਕਰਾਉਣਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਲਾਭ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੇਵਲ ਕਹੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇ ਤੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਸਹਿਬਾਲ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਮ ਉੱਥੇ ਭੇਟਾ ਦੇਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਭਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨਮੁੱਖ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਾਓ ਪਾਠ ਕੋਲ ਬੈਠੋ ਸੁਣੋ ਬਾਣੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਣੀ ਸੁਣੀਐ ਰਸ਼ਨਾ ਗਾਈਐ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈਐ ਸੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣੀ ਰਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਧਿਆਈ ਐਸੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਲਓ ਪਾਸੇ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਭੰਗ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਸੁਰਤੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਤੇ ਬਿਰਥਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਆ ਨਾ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫਿਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਚਾਹਣਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਦੌਲਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਾਸੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਲੋੜ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗੀਏ ਉਹੀਓ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਰਹੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਗੋਪਾਲਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਰਤਨ ਜਨਮ ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲਾ ਹੇ ਭਾਈ ਜਣੋ ਇਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਹੇ ਭਗਵਾਨ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੈ ਦਿਆਲੂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਗੋਪਾਲਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਨਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਧ ਰੂਪ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਭੰਡਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਏ ਹਾਂ
दुनियावी कम्मां कारां नूं छड्डिया। क्यों? ये वाहिगुरु की वड्डी बख्शिश कृपा है। कहिंदे भाई जिहड़ा साध संग है इहदे विच मारे कहिंदे आउण दा कर्म है। हुण नानक दा शब्द भाव कवि रूप होके महाराज ने लिखिया है, पंजवें नानक दा शब्द है। वह कहिंदे साध संग पंजवें नानक कहिंदे गुण गावै, कहिंदे मैं भी ते तुसीं भी उस परमात्मा दे गुण गाओ जे आपां इकट्ठे होए हैं। सिमरै सदा गोपाला, उहदा सिमरै सिमरन करना, सिमरन कास नूं कहिंदे आ, संस्कृत दा शब्द है। जे एक गल नूं बार बार दोहराइए ना उहनूं सिमरन कहिंदे आ। कहिंदे भाई आपां उस अकाल पुरख परमात्मा दा नाम बार 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 उहदा नाम लैंदे ही रहो, उहदा सिमरन करदे रहो। गोपाला, गोपाला दा भाव आ गो मैने धरती, पाला उहदी पालना रक्षा करन वाला, धरती ते सारे रहिंदे जीव जंतुआं दी पालना ते रक्षा करन वाला, गऊ ते गरीबां दी रक्षा ते पालना करन वाला, उह परमेशर अकाल पुरख है। जिहड़ा परमात्मा है उह सारी सृष्टि दी पालना भी ते रक्षा भी, सारे जीवां दी पालना भी ते रक्षा भी करदा है। सो उह जिहड़ा सब दा रक्षक है उस परमात्मा दा कहिंदे नाम जपना साडा प्रमुख कर्म है, उस परमात्मा दा सिमरन करना ही साडा कर्म है। इसलिए ये जिहड़ा जीवन आपां नूं मिलिया है ये परमात्मा दे नाम दी प्राप्ति लई है। इत्थे महाराज ने नाम ते ही आके संपूर्ण करिया ते नाम तो ही शुरू करिया सी। नाम तो महाराज ने कहा खोजत खोजत खोज विचारियो राम नाम तत् सारा। कहिंदे सारे खोज दा तत् सार परमात्मा दा नाम है। इत्थे महाराज कहिंदे साध संग नानक गुण गावे सिमरै सदा गोपाला। वह कहिंदे भाई सिमरन किहदा करो, साध संगत इकट्ठे होके गुण गावो सिमरो सदा गोपाला। वह गऊ गरीब दा रक्षक, सारी सृष्टि दा रक्षक ते पालक, 84 लाख जूनी दा रक्षक ते पालक, ते इस धरती दा रक्षक ते पालक वह जिहड़ा परमेशर है उहदा सिमरन करना चाहीदा। सो वह कौन है? इस संसार दे उपर उस परमात्मा दा जोत स्वरूप हमेशा आया ते आउंदा रहेगा। कल भी वह परमात्मा दी जोत इस दुनिया ते सी, अज भी है, कल भी रहेगी। वह परमात्मा इस सृष्टि ते हमेशा विराजमान है, उस प्रभु का सिमरन करना। इस सृष्टि दे अज गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के सरूप विचो अपने च सुशोभित है। तो महाराज कहिंदे नानक जिहड़े गुरु नानक ने अकाल पुरख का सरूप सी, आप सी परमेश्वर। आपां जे गुरु नानक महाराज के नाम नाल जुड़ के कर्म करिए साडा कर्म सफल है। इसलिए गुरु पातशाह कहिंदे है भाई सदा उहदा सिमरन करो, उठदे बहिंदे चलदे फिरदे खांदे पींदे पहनदे इतों तक कि सोए पड़े भी उहदा नाम ही जपी चलो। जे अभ्यास करांगे फिर साडा सिमरन चलदा ही रहेगा। पर घट्टो घट कहिंदे 1 घंटा सुबह 1 शाम जरूर नाम सिमरन करना चाहिए, परमेश्वर का सिमरन करो। जिहड़ा आपां 1 घंटा सुबह 1 शाम सिमरन करते हैं ये साडा दसवंध है सवासां का। दसवंध 4 तरह का है, 1 दौलत चों, 1 माया चों, 1 जीवन चों, 1 सवासां चों। ये 4 दसवंध निकल जाते हैं जे आपां साध संगत करते हैं। सो इसलिए प्रमुख दसवंध सवासां का 1 घंटा सुबह 1 शाम जरूर नाम जपना चाहिए, सिमरन करना चाहिए। वह जपीए किवें? जे कोई 5 बाणियां का जाप करता 1 घंटा लगता है, जे कोई मूल मंत्र का जाप करता 1 घंटा लगता है, जे सुखमनी साहब का पाठ करिए 1 घंटा लगता है, तो जे गुरमंत्र करिए 1 घंटा। ये सारा कोई परमात्मा नूं परमेश्वर नूं भगवान नूं याद करिए जिवें मर्जी करिए घंटा जरूर करना चाहिए। सो आपां सारी गुरसंगत 1 घंटा सुबह 1 शाम नाम जपिया करो।
वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।